पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिलीप घोष ने बीरभूम हिंसा पर कहा कि बंगाल के लोगों की रक्षा के लिए केंद्र की हस्तक्षेप करना चाहिए। दिन हो गया चीफ मिनिस्टर आज वहां गए स्पॉट पर देखने के लिए, क्यों नहीं गए? तूफान आता है तो दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से जाके बंगाल पहुंच जाते हैं और ऑफिसर का बैठक ले लेते हैं, और चीफ मिनिस्टर को 4 दिन लगता है स्पॉट पर जाने के लिए जहां इतनी बड़ी आगजनी हुई है। और गलती क्या गवर्नर का है? क्या उन्होंने रोका था उनको? वहां उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट खड़ा होकर बोलता है अनारूल, मैंने आज सुबह भी उसका बोला था उसको गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ किया जाए, क्योंकि उसके पीछे वही है। और वो बोलता है कि इतना बड़ा नेता का मर्डर हो गया, कुछ तो होएगा, और इसीलिए पुलिस को नहीं भेजा गया कि कुछ हो जाए उसके बाद पुलिस जाएगा। आज ममता बनर्जी जाके वहां बोल रही है क्यों नहीं पुलिस गया, क्यों पोस्टिंग नहीं हुई, और वो बोले उसको अरेस्ट करो। चीफ मिनिस्टर बोलेगा नाम तब पुलिस अरेस्ट करेगा? ऐसा पुलिस है? इसके लिए गवर्नर जिम्मेदार है क्या? तो इनके पास कोई इशू नहीं रहता तब गवर्नर के पीछे पड़ जाते हैं। तो वही हुआ है, इतना निकम्मा सरकार देश में कहीं नहीं है। 355 की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या आप लोगों की भी नहीं? हम लोगों ने भी केंद्र सरकार का हस्तक्षेप डिमांड की है, क्योंकि कानून व्यवस्था टूट चुकी है, सरकार नाकाम हो चुकी है, इसलिए वहां की लोगों को जान माल का सुरक्षा और कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए केंद्र को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। एचएम साहब ने कहा है कि हम इस पूरे मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं, ना कि पॉलिटिकली देख रहे हैं, क्या मायने निकाले जाए? ना बिल्कुल सही है, जबकि घटना हुई तो वहां की सरकार बोली है इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो वही है पॉलिटिक्स नहीं। इतने निहत्ते लोगों को, मासूम लोगों की जाने गई, इतने निशंस रूप से उनका हत्या किया गया है, उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मानवता शर्मसार हो गया है, बंगाल की नाक कान कटवा दी इन लोगों ने। जिस सरकार को लोगों ने एक साल भी नहीं हुआ चुना है बहुमत से, वो सरकार नाकाम हो चुकी है। और सामान्य लोग से राजनेता, अभी हमारे 4 दिन पहले हमारे एमपी का ऊपर बम फेंका गया है, 2 दिन पहले एक जिला प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसा हुआ है, तो लगातार हो रहा है। 1 दिन में 2 काउंसिलर का डेथ हुआ है, 1 सप्ताह में 26 लोगों की हत्या हुई है, कहाँ का सरकार चल रहा है? इसलिए कुछ ना कुछ केंद्र सरकार को करना चाहिए। देश दुनिया दी ताजा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।